ये है फ्रेंड ट्रैक्शन मोटर नेक्सॉन ईवी एक्सजेड प्लस, और इसको हम लोग अभी कर रहे हैं चेंज। इसमें है नॉइस, इसके गियर बॉक्स से नॉइस आ रहा है, तो हम लोग अभी इसको चेंज कर रहे हैं। और फ्रेंड मैं इसके बारे में कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन दूंगा आप लोग को। ये फ्रेंड इसका MCU है, मोटर कंट्रोल यूनिट, देख सकते हो ये डायरेक्ट मोटर में गया हुआ है इसका हाई वोल्टेज जो सप्लाई है। और ये इसका ई कंप्रेसर है, एसी कंप्रेसर, तो इसमें ई कंप्रेसर लगा हुआ है। और ये इसका गियर बॉक्स ट्रैक्शन मोटर, देख सकते हो ये इसके कूलेंट का होस पाइप ट्रैक्शन मोटर में गया हुआ है। और फ्रेंड यहाँ ड्राइव शाफ्ट का जगह देख सकते हो गियर बॉक्स में लगा हुआ है, जैसे सब गाड़ियों में होता है वैसे ही है सेम ड्राइव शाफ्ट। और फ्रेंड यहाँ से हम लोग ऑयल टॉप अप कर सकते हैं, देख सकते हो ये एलेंकी लगेगा 10 नंबर का, 10 mm का। और यहाँ से हम लोग ड्रेन कर सकते हैं, इसमें भी 10 mm का एलेंकी लगेगा। फ्रेंड ड्राइव शाफ्ट के नीचे में सीधा में दिया हुआ है इसका ड्रेन बोल्ट जो है, ड्रेन नट, देख सकते हो सीधा सीधा गियर बॉक्स में। फ्रेंड ट्रैक्शन मोटर को निकालने के लिए हम लोग यहाँ का 4 बोल्ट खोलेंगे, देख सकते हो इसके माउंटेन के ब्रैकेट में लगा हुआ 4 बोल्ट, 4 बोल्ट यहाँ का खोलेंगे, देख सकते हो। और 3 बोल्ट गियर बॉक्स के पास में दिया हुआ है ई कंप्रेसर के पास, देख सकते हो 3 बोल्ट है। गियर बॉक्स में जो माउंट लगा हुआ है देख सकते हो सी माउंट, उसको भी हम लोग को खोलना पड़ेगा अगर हम लोग इसका ट्रैक्शन मोटर निकाल रहे हैं तो, देख सकते हो इसमें बोल्ट लगा हुआ है, तो ये पूरा माउंट को निकालना पड़ेगा आप लोग को बाहर, और ये ड्राइव शाफ्ट को भी निकालना पड़ेगा। और ऊपर में एक और बोल्ट दिया हुआ है, ये वैक्यूम पंप है, यहीं पास एक बोल्ट है 12 mm का, 12 mm का, इसको भी हम लोग को खोलना पड़ेगा अगर हम लोग ट्रैक्शन मोटर को बाहर निकाल रहे हैं तो। और फ्रेंड ये इसका MCU है, देख सकते हो MCU, मैं ऊपर से दिखलाऊंगा अच्छे से। ये फ्रेंड इसका PDU है, और ये इसका कपलर है, तो हम लोग को PDU को निकाल के भी इसका बोल्ट खोलना पड़ेगा अगर हम लोग ट्रैक्शन मोटर को बाहर निकाल रहे हैं तो। और PDU को निकालने के लिए ये पूरा कपलर को निकालना पड़ेगा हम लोग को, DC-DC और AC का जितना भी कपलर है, ये AC कंप्रेसर का है। हम लोग फ्रेंड जब PDU को बाहर करेंगे तब इसके अंदर में दिया हुआ है बोल्ट 12 नंबर का, और PDU को निकालने के लिए देख सकते हो यहाँ पास ग्राउंड बोल्ट 12 नंबर का दिया हुआ है। और इसमें जो कपलर है इसके बारे में बताऊंगा ये कैसे निकलेगा, देख सकते हो फ्रेंड ये जो हाई वोल्टेज का कपलर है कनेक्शन, हम लोग को यहीं से निकालना है कपलर अगर ट्रैक्शन मोटर बाहर निकालना है तो। और इसका लॉक देख सकते हो, स्लाइड करेंगे हम लोग ऊपर की तरफ और प्रेस करके निकालेंगे बाहर, तो ये बाहर निकलेगा। देख सकते हो इसका सिस्टम है फ्रेंड, ऐसे स्लाइड करेंगे तब ये अनलॉक होगा और फिर हम लोग इसको प्रेस करके बाहर निकालेंगे लॉक को। और इसको हम लोग पहले बाहर निकालेंगे लॉक, इसके बाद प्रेस करेंगे तब ये कपलर निकलेगा, तीनों कपलर सेम है। और ये इसका DC-DC है फ्रेंड, DC-DC का काम है ऑक्स बैटरी को चार्ज करना। और इसका OBC को दिखलाऊंगा मैं, देख सकते हो बैटरी के नीचे में, ऑक्स बैटरी के नीचे में
देख सकते हो यहाँ पास लगा हुआ है। ये इसका ओबीसी है, ऑनबोर्ड चार्जर देख सकते हो। और ये इसका डीसी, जो ऑक्स बैटरी को चार्ज करता है। ये फ्रेंड पीडीयू, डीसी, ओबीसी, पीडीयू, डीसी, ओबीसी तीनों अलग अलग है। अभी जो नेक्सॉन ईवी मैक्स आ रहा है उसमें एक साथ है। और ये देख सकते हो फ्रेंड यहाँ जो लगा है एमसीयू, मैं ऊपर से दिखला रहा हूँ आपको, एमसीयू लगा हुआ है देख सकते हो। ये मोटर कंट्रोल यूनिट, ये ट्रैक्शन मोटर के जस्ट ऊपर में लगा हुआ है। और फ्रेंड ये जो कनेक्शन दिख रहा है हम लोग को, यहाँ से कनेक्शन नहीं निकालना है, ये ऊपर से कनेक्शन निकलेगा इसका, और ये तीनों कपलर निकलेगा। ये फ्रेंड कूलेंट बॉक्स है देख सकते हो, इसमें दो बॉक्स दिया हुआ है, दो डब्बा है। एक तो फ्रेंड ये पूरा मोटर में गया हुआ है। देख सकते हो डीसी में भी गया हुआ है। इसमें फ्रेंड दो ठो कूलेंट बॉक्स दिया है, क्योंकि एक ठो सिर्फ बैटरी के लिए, जो इसका बैटरी पैक है हाई वोल्टेज, उस बैटरी के लिए है, बैटरी को कूलिंग करने के लिए। और जो एक डब्बा है इधर लगा हुआ देख सकते हो, ये डब्बा जो है ये ट्रैक्शन मोटर के लिए है। और जो एक डब्बा है ये सिर्फ बैटरी कूलिंग के लिए। और फ्रेंड ये इसका वीसीयू है, व्हीकल कंट्रोल यूनिट। और फ्रेंड ये है इसका एमएचडी, मैनुअल सर्विस डिस्कनेक्ट देख सकते हो, सर्विस डिस्कनेक्ट करने के लिए यहाँ पास दिया हुआ कपलर। अगर हम लोग वर्क कर रहे हैं, ईवी में काम कर रहे हैं, तो हम लोग को सर्विस डिस्कनेक्ट करना है ताकि सप्लाई ना मिले, इसलिए सर्विस डिस्कनेक्ट करके ही काम करना है। देख सकते हो ये इसका कपलर है, इसको हम लोग ऐसे लगा सकते हैं, बट इसको लगाएंगे नहीं, अभी खुला पड़ा हुआ है बहुत सारा। एमएचडी सर्विस डिस्कनेक्ट लिखा हुआ देख सकते हो। तो फ्रेंड कभी भी हम लोग काम करेंगे तो इसको डिस्कनेक्ट करेंगे ध्यान से। ये फ्रेंड कंप्लीट है, हम लोग इसका ट्रैक्शन मोटर को चेंज किए हैं। अब इसको हम लोग देखेंगे, स्टार्ट करेंगे क्या होता है, स्टार्ट होता है या नहीं, या फिर कोई प्रॉब्लम आता है, एक बार फ्रेंड फाइनल चेक करेंगे। सब कंप्लीट है, इसका हम लोग सर्विस कनेक्ट करेंगे, कपलर लगाएंगे इसका। हम लोग फ्रेंड कपलर को प्रेस करके निकाल सकते हैं, देख सकते हो ये प्रेस होके निकलेगा कपलर। ये फ्रेंड इसका पंप है, कूलेंट पंप, इसमें दो पंप दिया हुआ है, एक ट्रांसेक्शन मोटर के लिए और एक बैटरी के लिए, बैटरी पैक के लिए। देख सकते हो यहाँ से पूरा सप्लाई दिया हुआ है पंप से। ये इसका वाटर पंप है, कूलेंट पंप, एक तो ट्रांसेक्शन मोटर के लिए है और एक तो बैटरी पैक के लिए है। ये ट्रांसेक्शन मोटर के लिए दिया हुआ है देख सकते हो, और एक और दिया हुआ है डीकंप्रेसर के पास में। ये फ्रेंड बैटरी पैक के लिए है, ये जो दिख रहा है होस पाइप ये डायरेक्ट बैटरी में गया हुआ है देख सकते हो। और ये है फ्रेंड इसमें चिलर, चिलर दिया हुआ है चिल्ड करने के लिए, इसका नाम है चिलर। ये ईवी में अलग से लगा हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं चिलर, उसका नाम भी चिलर है। ये इसका ई कंप्रेसर। और फ्रेंड ये कंप्लीट हो गया, हम लोग इसको एक बार स्कैन करके देखेंगे डीटीसी क्या फॉल्ट कोड आ रहा है।
और चेक करने के बाद हम लोग इसको चला के देखेंगे नॉइस आ रहा है या नहीं। तेरा वही बकचोदी। हम लोग फ्रेंड नेक्सॉन ईवी एक्सजेड प्लस लक्स में सेलेक्ट करेंगे इसको और इसको करेंगे ऑटो स्कैन, और ऑटो स्कैन करके देखेंगे इसमें डीटीसी क्या बता रहा है, करेंट डीटीसी देख सकते हो फ्रेंड, इसमें कोई डीटीसी नहीं बता रहा है, सब क्लियर है। फिर भी हम लोग एक बार क्लियर कर देते हैं, इसमें कोई डीटीसी नहीं है। देख सकते हो ये स्टार्ट हो रहा है, कोई लाइट भी नहीं आ रहा है। इसमें फ्रेंड कोई प्रॉब्लम होता तो अभी लाइट शो करता है इसमें। इसको हम लोग फ्रेंड चला के देखेंगे, साउंड चेक करेंगे, पहले जो नॉइस आ रहा था वो आ रहा है या नहीं। हम लोग फ्रेंड ट्रायल में अभी टेस्ट ड्राइव ले रहे हैं इसका, और इसमें प्रॉब्लम ये था कि ब्रेक मारने से कट कट की आवाज़ आती थी 30 से 40 के स्पीड के बीच में, 50 के स्पीड में, 60 के स्पीड में कंटिन्यू आवाज़ आता था। तो अभी ऐसा तो कोई साउंड नहीं आ रहा है, मैं आप लोग को सुनाऊंगा। एक्सीलेटर देने से और फिर छोड़ने से आवाज़ आता था, अभी ऐसा कोई साउंड नहीं आ रहा इसमें। देख सकते हो 40 के स्पीड में है, और मैं ब्रेक छोड़ूंगा, सॉरी एक्सीलेटर, देख सकते हो नॉइस नहीं आ रहा है, अभी भी नहीं आया, अभी भी नहीं आया। जैसे हम लोग एक्सीलेटर को छोड़ते थे तो नॉइस आता था, वैसा नॉइस अभी नहीं आ रहा है। इसके गियर बॉक्स से आता था नॉइस, देख सकते हो 70 की स्पीड में भी मैं छोड़ा एक्सीलेटर तो आवाज़ नहीं आ रहा इसमें कोई। ये फ्रेंड ठीक है, इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसके गियर बॉक्स में नॉइस आ रहा था, तो हम लोग गियर बॉक्स इसका पूरा असेंबली चेंज किए मोटर के साथ में, और इसमें अभी नॉइस नहीं आ रहा है, अभी ठीक है। सो फ्रेंड आज के लिए इतना ही, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा। और जितने लोग मेरे चैनल पे नए थे, मेरे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन दबा दो ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग तक पहुँचते रहे।